एपिसोड नंबर 396 396। एक दिन काकभुशुंडे सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष के नीचे बैठे लोमश ऋषि के पास जा पहुंचे। उनकी विनम्रता देख और दीन वचन सुनकर ऋषि ने उनके वहां आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण रूप काकभुशुंडे ने ऋषिवर से सगुण ब्रह्म की आराधना का ज्ञान देने की प्रार्थना की। मुनिवर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। कई उपमा उपमेयों द्वारा लोमश ऋषि ने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया, फिर भी निर्गुण ब्रह्म मत काकभुशुंडे के हृदय में नहीं बैठ पाया। राम चरण बारिज जब देखा तब निज जन्म सफल करी देखा। जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कहई ईश्वर सर्व भूतमय आई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई सगुण ब्रह्म रति पुर अधिकाई। चन सुरत करी राम चरण मनोला रघुपति जस गावत फिरम छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया लोमस आसी देखे चरण सिरुनाय वचन कहे अति दीर। सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज मोहि सादर पूछत भय द्विज आयहु केहि काज। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान।
तब मुनीस रघुपति गुन गाथा कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदयेसा। अकल अनीह अनाम रूपा अनुभव गम्य अखंड अनुपा। मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा बारी पीछी इव गावही वेदा। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हृदयन आवा। पुनि मैं कहेउ नाई पद सीसा सगुन उपासन कहु मुनीसा। राम भगति जल मम मन मीना किमि बिलगाई मुनीस प्रवीना। सोई उपदेश कहु करी दाया निज नयन नि देखो रघुराया। हरी लोचन बिलोकी अवदेशा तब सुनिहौ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा खंडी सगुन मत अगुन निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुन निरूपं करी हट पूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना मुनि तन भये क्रोध के चीना। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानिन के लिए। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की
बिनु अज्ञान माया बस परिछिन्न जड़ जीव की इस समान।